नंबर से आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे पावर बोर्ड बनाने के बारे में, यानी कि पावर बोर्ड वायरिंग करने के बारे में, पावर बोर्ड कनेक्शन करने के बारे में। यहाँ पे एक दो तीन यानी कि 3 पिन सॉकेट, 1 2 3 पीस लगा हुआ है, और 1 2 2 पीस स्विच लगा हुआ है। ये दोनों स्विच में एक न्यूट्रल डालेंगे, एक स्विच में फेस डालेंगे, और इसी के द्वारा ये तीनों सर्किट में कनेक्शन करेंगे, ताकि हमने दोनों स्विच को ऑफ करेंगे तो इधर पावर सप्लाई आना बंद हो जाएगा, और ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई इधर जाना चालू हो जाएगा। अगर किसी तरह से आप दोनों स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इधर आपको करंट मारने की संभावना नहीं रहेगा। यदि एक स्विच ऑफ और एक स्विच ऑन रखेंगे तो इधर पावर आते रहेगा एक फेस में, यानी क्योंकि एक स्विच आपका ऑन है, एक फेस का आते रहेगा न्यूट्रल या फेस का, तो पावर मारने का डर रहेगा। फ्रेंड इस तरह से हम दोनों स्विच को उपयोग में लेंगे, ताकि हम दोनों स्विच बंद कर देंगे तो मेरा पावर सप्लाई इधर आना बंद हो जाएगा, और दोनों स्विच जब ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई इधर आएगा। इसी तरह से कनेक्शन करेंगे इसके अंदर। फ्रेंड आ जाइए इधर, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 को लगा हुआ है 3 पिन सर्किट, और 1 2 2 स्विच लगा हुआ है। कनेक्शन करते हैं फ्रेंड, हमने यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, वहाँ पे कसने के लिए जगह है 1 2 यानी ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला हम डालेंगे, ऊपर वाला हम डालेंगे एक इधर न्यूट्रल इधर फेस, और उसके बाद नीचे वाला डालेंगे इधर फेस इधर न्यूट्रल, और उसके बाद यहाँ कनेक्शन करते जाएंगे तीनों सर्किट में। वीडियो बने रहे फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वायर जो है कि आप खंभे पे से लाइन ला सकते हैं पावर, या किसी अदर बोर्ड में पावर है तो ऑलरेडी पहले से उसमें से इसमें पावर दे सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेन वायर को लगाते हैं, कनेक्शन पहले करते हैं दोनों स्विच में। सबसे ऊपर वाला में पिन में इसको कनेक्शन करेंगे, सबसे ऊपर वाला स्क्रू में खोल कर हमें यहाँ पे जोड़ देना है, सबसे ऊपर वाला में स्क्रू को खोलकर ढीला करके लूज करके इसको टाइट कर दिया है अच्छी तरह से, और इसके अंदर भी एक सौ चार बचा है, इसके अंदर भी हम डालेंगे न्यूट्रल को, यहाँ डाल दिए हैं फेस को, यहाँ डालेंगे न्यूट्रल को ऊपर वाला में, ऊपर वाला सूट में। फ्रेंड ये मेरा स्विच का जो स्क्रू है खुल नहीं रहा है, तो एक ही स्विच काम करेगा, एक स्विच से मेरा ऑफ और ऑन होगा, क्योंकि कुछ खुल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ही काम करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो इंडिकेटर है इसके अंदर बोर्ड के अंदर आप देखते हैं छोटा सा इंडिकेटर लगा हुआ, फिर नहीं जलेगा जब ऑफ और ऑन करोगे, तो इसके लिए हमें ये दोनों वायर को एगो न्यूट्रल एगो फेस में डालना है, और इसके अंदर एक दो गो रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कंट्रोल करके पावर देता है उस बोल्ड को, तो बोल्ड जलते रहता है कंटिन्यू, तो इसको भी हमें कनेक्शन करना है एक न्यूट्रल एक फेस में, एक न्यूट्रल में हम उसको जोड़ देते हैं फ्रेंड इस तरह से, कोई भी वायर जोड़ सकते हैं न्यूट्रल इसके अंदर इंडिकेटर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ से कनेक्शन करते जाना है, एक वायर और इसके अंदर जोड़ देना है, ताकि हम सर्किट के अंदर ले जा सके आगे। हमने एक इंडिकेटर का वायर जोड़ दिया है, और एक इधर सर्किट के अंदर जाएगा जो, और यहाँ पे हमने इस स्विच में जो एक स्विच का स्क्रू नहीं खुला था, नीचे वाला खुल रहा है, तो उसके अंदर हम जोड़ देंगे नीचे वाला में, और ऊपर वाला में तो वायरिंग नहीं हो पाएगा फिर, तो इसलिए स्विच काम नहीं करेगा, एक स्विच काम करेगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट हो गया स्विच में। यहाँ पे हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया है यहाँ से, और यहाँ पे एक वायर और जोड़ देना है फ्रेंड, यहाँ पर एक वायर और जोड़ देना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है अगला सर्किट में, इसके लिए यहाँ पर एक वायर अलग से इसके अंदर जोड़ दिया है, यानी कि कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल को यहाँ पे जोड़ देंगे, मेरा एक सर्किट में वायर कनेक्शन हो गया है न्यूट्रल, और दूसरा सर्किट में ले जाना है न्यूट्रल, तो ये भी इसके अंदर भी हमें जोड़ देना है एक वायर, और
यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन करके अगला सर्किट में चला जाएगा, और जो ज्वाइन किया यहाँ पे वायर ये बीच वाला सर्किट में कर देना है। यहाँ से और यहाँ पे मेरा लास्ट सर्किट बचा फिर, तो हमें अगला वायर अलग से कनेक्शन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास लास्ट सर्किट बचा है। एक दो तीन सर्किट है, दो का कनेक्शन हो गया ऑलरेडी न्यूट्रल, ये लास्ट है तो इसमें हमें लास्ट में कर देना है। न्यूट्रल को हमने कनेक्शन कर दिया, फिर आप समझ सकते हैं सती ये आपका खंभे से आया बिजली से, अब जा सकते हैं बिजली में या अदर बोर्ड में पावर जहाँ पे। यहाँ से हम न्यूट्रल दिए हैं यहाँ पर, और ये दिए इंडिकेटर वाला लाइट का न्यूट्रल, और यहाँ से यहाँ दिए हैं न्यूट्रल को सर्किट में, फिर यहाँ सर्किट में, फिर यहाँ सर्किट में, अभी एक हर सर्किट में एक बार कनेक्शन खाली है, एक दो तीन खाली है, और इधर एक इधर इंडिकेटर का भी खाली है, ये भी कनेक्शन करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर का और एक ये जो हम सर्किट में जाएंगे इस तरह से आगे, यहाँ पर दो वायर को एक में करके, और जहाँ स्विच है फ्रेंड स्विच में सबसे ऊपर वाला मैं स्क्रू टाइट किया है वाला, जो खंभे में जाएगा बिजली में या किसी अदर बोर्ड में जहाँ पावर रहेगा, तो उसके नीचे वाला हमें टाइट करना है ताकि हम ऑफ ऑन कर सकते हैं। जब हमने ऑफ करेंगे तब इधर पावर आना बंद हो जाएगा, अब ऑन करेंगे तब नीचे पावर आना चालू हो जाएगा सर्किट में। इसके लिए हमने निचला स्विच के निचला स्क्रू में कसे है टाइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड ये जो इंडिकेटर है एक हो गया फेस और एक हो गया न्यूट्रल यहाँ पे, और अगले सर्किट में जाएगा ये, तो यहाँ पे एक अलग से हमको वायर ले लेना है, इसके साथ ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमें अलग से वायर लेकर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, और सर्किट के अंदर यहाँ पे स्क्रू से हल्का सा ढीला करके स्क्रू को इसके अंदर हमें टाइट कर देना है फेस को। स्टार्ट कर दिया फ्रेंड, देखते इस तरह से। फिर अगला सर्किट में ले जाना है हमें फेस को, तो यहाँ पे एक वायर अलग से और इसके अंदर जोड़ लेना है, जोड़ कर फिर वापस इसको यहाँ पे स्क्रू थोड़ा सा लूज करके सर्किट वाला यहाँ पे हमें टाइट कर देना है। अब यहाँ पे लास्ट बचा है 3 पिन का सर्किट, तो हमें लास्ट में वायर अलग से नहीं कनेक्शन करना फ्रेंड, यदि आर सर्किट लगा रहता तो इसी तरह से कनेक्शन करते जाते, तो हमें लास्ट में इसको डायरेक्ट जोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड किस तरह से कनेक्शन किया है, ये जाएगा आपका बिजली के खंभे में या अदर बोर्ड में जहाँ पावर आपका आते रहेगा। तो मेरा ये स्विच है, तो स्विच किया फर्स्ट नंबर में स्क्रू से कसे है, और नीचे वाला में इधर दिए हैं हमारे की सर्किट के अंदर और इंडिकेटर के अंदर, जो आप देखते हैं इंडिकेटर के एक वायर एक इधर सर्किट का है, यहाँ कनेक्शन किया, फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ से लास्ट कर दिए हैं, और फिर ये पावर बिजली खंभे से आएगी, यानी यदि अदर किसी बोर्ड से पावर जिसके अंदर है उसमें से आप ला सकते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर दिए हैं क्योंकि अगला स्विच खुला नहीं था ऊपर वाला, तो हम नीचे में डायरेक्ट कर यहाँ पर एक इंडिकेटर का दे दिए हैं और एक सर्किट का वायर दे दिए हैं, और यहाँ पे कनेक्शन कर दिया सर्किट में, फिर यहाँ सर्किट में कर दिया है, फिर यहाँ लास्ट सर्किट में कर दिया है, हमारा कंटिन्यू इधर आते रहेगा पावर सप्लाई, यहाँ पे जब हम ऑन करेंगे तब, और वहाँ ऑफ कर देंगे स्विच को, इधर आना बंद हो जाएगा। हम आपको इसके अंदर जला कर दिखाते हैं फ्रेंड, इस तरह से देख सकते हैं दो स्विच है, उस दो में से हमारा एक ही स्विच काम करेगा क्योंकि एक स्विच मेरा स्क्रू नहीं खुला था, तो इसके अंदर कनेक्शन नहीं किए हैं। एक स्विच है मेरा, इधर ऑन करोगे इधर पावर आना लगेगा, ऑफ करोगे तो पावर इधर तीनों में नहीं आएगा। इसी तरह से कुछ कनेक्शन है फ्रेंड, आप एक बार और देख सकते हैं इधर, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये न्यूट्रल को देख सकते हैं यहाँ से, इसके अंदर हमें बोर्ड पावर बोर्ड में देते हैं इस वायर को, यहाँ पे हमें ऑन किया, देखिए पावर यहाँ आने लगेगा फ्रेंड, देख रहे हैं यहाँ पे जल रहा है इंडिकेटर, ऑन किया तो मेरा इधर भी पावर आने लगा है, और ऑफ करेंगे तो ये बंद हो गया, इधर भी बंद हो गया है।
हम आपको इस बल्ब को जलाकर दिखाते हैं सर्किट में। देखते फ्रेंड, यहाँ पे एक बल्ब है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको ऑन करेंगे तो मेरा बल्ब जल जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ जल रहा है बल्ब मेरा, और यहाँ पे भी इंडिकेटर छोटा सा है जो जल रहा है। कंटिन्यू ऑन किया था, ऑफ करेंगे तो मेरा बंद हो गया है। दूसरा में डालते हैं फ्रेंड, दूसरा में भी जब ऑन करोगे तो जलेगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, बल्ब जल रहा है, यहाँ इंडिकेटर भी जल रहा है, ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा इंडिकेटर और बल्ब दोनों। इसी तरह से कंटिन्यू अभी तीसरा में करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे तीसरा में डालते हैं, यहाँ पे भी डाल दिया है, और हमने यहाँ पे जब ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, और इसके अंदर इंडिकेटर है वो भी शो करेगा कि हाँ मेरा बोर्ड में पावर आ रहा है। इधर देख सकते हैं फ्रेंड, जल रहा है। इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है किसी भी बोर्ड में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।